नमस्कार, मैं आयशी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ KKR न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। भीषण गर्मी में भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा पानी का प्याऊ। नगर नसरुल्लागंज में इन दिनों कड़कड़ाती धूप में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। नसरुल्लागंज में पानी की प्याऊ इन दिनों शासन के द्वारा मिली छूट में दुकानें तो खुली, लेकिन इस गर्मी के मौसम में दूर दूर तक बाजार करने आ रहे ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हो रहा। एक तरफ भीषण गर्मी अपना दबदबा दिखा रही है, वहीं नगर नसरुल्लागंज में नगर परिषद द्वारा प्रतिवर्ष लगाए जाने वाली प्याऊ कहीं नजर नहीं आ रही, जबकि ज्येष्ठ माह का रोहिणी चल रहा है। गर्मी बढ़ती जा रही है, लॉकडाउन के चलते नसरुल्लागंज में ग्रामीण अंचल से आते लोग पानी के लिए इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। अपने प्यास बुझाने के लिए मजदूर दुकानों से पानी के पाउच लेकर पी रहे हैं, जबकि नगर परिषद द्वारा प्रतिवर्ष प्याऊ के नाम पर भारी भरकम खर्चा डालकर बिल पाउच लगाए जाते हैं। शासन को चपत लगाई जाती है व गर्मी शुरू होते ही नगर परिषद के द्वारा पानी की प्याऊ लगा दी जाती है, परंतु इस बार प्याऊ दिखाई नहीं दे रही है, जबकि स्वयंसेवी द्वारा भी नगर के बस स्टैंड पानी की टंकी शॉपिस नजर नहीं आ रही हैं। जबकि नगर नसरुल्लागंज मंडी में इस समय तुलाई जोड़ों पर चल रही है, किसानों के ट्रक ट्रालियां रोड पर भारी मात्रा में लाइन लगाकर दिख रहे हैं। वही किसान पानी की बोतल खरीद कर अपनी प्यास बुझाता हुआ नजर आ रहा है, घर से पानी लाकर अपने लोगों को पिला रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र होने के बावजूद भी यह भीषण गर्मी में जनता पानी को तरस रही है। नसरुल्लागंज से चांदनिया की रिपोर्ट, KKR न्यूज भोपाल। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की सारी सुर्खियों के लिए बने रहिए हमारे।